कि ऐसा मैं नहीं पढ़ेंगे। राजनीति का शिक्षा मुझे मत बताओ, नाम नहीं छोड़ेंगे। मुझे ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश दो। कहा ब्रह्म का ज्ञान मुझे यदि दोगे तो मैं पढ़ेंगे और नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। रोज ही ये बात कहते थे, पढ़ाते पढ़ाते इनको जितने विद्यालय के लड़के थे सबको ये प्रहलाद ने कहा भगवान का नाम ही लीजिए, नारायण का। नारायण अग्नि में बच्चे बिल्ली के बच गए, वो भी नहीं जले, और नारायण का नाम लेकर के बिल्ली के बच्चे बचे थे। वैसे आप लोग नाम लीजिए, सारे विद्यालय को नाम ही बता दिए। जब सब बच्चे नाम लेने लगे भगवान का स्मरण करने लगे, सुन रहे वर्क ने कहा कि हमारे सारे विद्यालय को आपने बर्बाद कर दिया। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आए और जितने बच्चे थे सब बच्चों को तूने क्या सिखा दिया? तुम बहुत मूर्ख हो जो आज बच्चों को बर्बाद कर दिया। तुम्हें सीधे राजन के पास ले चलेंगे। सुन रहे अमरक दोनों प्रहलाद को ही बाह पकड़ करके हीरा कश्यप के पास लाए। हीरा कश्यप बोला कि कहो, सुन हमारा पुत्र प्रहलाद राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर लिया। कहा राजन, राजनीति की शिक्षा ग्रहण नहीं, बल्कि जितने बच्चे थे सबको बर्बाद कर दिया इसने। हमारा सारा विद्यालय भी बर्बाद कर दिया है। राजनीति की शिक्षा छोड़िए। कहा जब ये विद्यालय को बर्बाद किया तो आप इसके बोटी बोटी करके क्यों नहीं रख दिया? कहा प्रहलाद के बोटी करके क्यों नहीं रख दिया? कहा राजन, आपके पुत्र को मैं अपने हाथों से कैसे मारूं? कहा प्रहलाद, तूने सारा विद्यालय बर्बाद कर दिया इनका, और तुम बहुत मूर्ख है। आज से यदि कहीं पर नाम लिया तूने नारायण का तो तुमको समाप्त कर देंगे। हिरण्यकश्यप बोला। प्रहलाद बोले, कुछ भी हो पिताजी, हमारे नारायण के सिवा कोई और भी है नहीं। बारंबार ये कहते थे, बगदंत को बुलाए हिरण्यकश्यप। कहा प्रहलाद, ऐसे नाम नहीं छोड़ेगा, प्रहलाद को ले जाओ और महादुर्ग कारागार में हथकड़ी और बेड़ी लगा करके प्रहलाद को डाल दो, जिससे प्रहलाद के ही दिमाग ठंडा हो जाए, नाम को छोड़ दे। प्रहलाद को वक्दंत में ले जा करके और कारागार में ही डाल दिया। इधर आकर के हिरण्यकश्यप बगदंत से पूछने लगा कि कहो बगदंत, प्रहलाद को तूने कारागार में ही डाल दिया, अब जाओ जंगल में जो सपेरे हैं सांप को पकड़ने वाले उनको ले आओ, और कारागार के दरवाजे पर तक्षक सर्प को छुड़वा दो, जिससे वो सर्प प्रहलाद को डस ले और प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। आत्मं च सर्वभूतानां
प्रियतम दाचवा। भगदत्त बोला कि आपका प्रिय पुत्र है राजन, आपको कुछ दया नहीं आ रही है, सर्प को छुड़वा दे जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। जा करके भगदत्त ने जाकर के जंगल से चपेरे को बुला लाए जो सांप को पकड़ने वाले, और सर्प को छोड़ दिया कारागार के दरवाजे पर। सर्प को छोड़ते ही कि दंत्रेद प्राणा चराधिदा सदा प्रशांत कामय, कहा अब तो ये प्राण प्रहलाद का नहीं बचेगा, सर्प के द्वारा प्राण प्रहलाद का निकल जाएगा तक्षक के दसने से। अब ये तक्षक गया, प्रहलाद ने देखा सर्प को, प्रहलाद बोले कि मेरे मनमोहन तुम आ गए, मुझे कारागार में आपने दर्शन दिया। इतना कहकर के प्रहलाद ने अपने हाथों से तक्षक सर्प को उठा करके अपने गले में धारण कर लिए। सर्प रूप बदला तभी प्रगटे दया निधान, अब वो सर्प रूप बदल करके भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की, जब भगवान प्रकट हुए भगवान बोले भक्तवत्स तुम्हें कितनों संकट आए जनता का बना ली, लेकिन तुम्हारे ऊपर संकट नहीं बीधेगा। इतना कह करके भगवान तत्काल अंतर ध्यान हुए। तब तक भगदंत जाकर के हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि कहो भगदंत, प्रहलाद की मृत्यु हो गई, तक्षक ने दस लिया। कहा राजन, प्रहलाद की मृत्यु छोड़िए, प्रहलाद के समीप तक्षक गया लेकिन प्रहलाद ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया, और मृत्यु की बातें छोड़े। हिरण्यकश्यप बोला कि कहो भगदंत, यदि प्रहलाद ने ऐसा किया तो ये विष ये प्याला में ही मिक्सर कर लो, प्याला में दूध में मिक्सर कर लो विष, जिसको पीने से कोई बचेगा नहीं, बचता नहीं है, वो विष ले जाओ और विष प्रहलाद को दे दो। ये बात बता दो कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए दूध को भेजा है, आप इसको पी लो और उसको पीने से प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। कहा उसको पीने से प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। महाराज सुखदेव जी ने कहा राजा पृथ्वी से कि राजन, जब हिरण्यकश्यप ने यह कहा तो भगदंत ने एक प्याला में विष को मिक्सर करके और लेकर गए। प्रहलाद से भगदंत बोला कि प्रहलाद, ये तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए सर्वस्व विष को भेजा, दूध को भेजा है, आप ये दूध ग्रहण कर लो। लेकिन प्रहलाद को बात मालूम हो गया कि ये दूध नहीं है, हमारे लिए विष आया है पीने के लिए। प्रहलाद बोले लाइए मामा। कहा मामा ये लाइए और मैं इसको ग्रहण करूंगा। प्रहलाद कहने लगे कि मामा जी है मौत सही तो यही सिद्ध हो जाएगा, यदि अचल ब्रह्म में ताकत है
तो जहर अमर हो जाएगा। हाँ मामा जी, यदि भगवान में ताकत है तो ये जहर अमर हो जाएगा। तुम्हें कौन तकलीफ? और लाइए मुझे लेकर के हाथ में और बिस्कुट पीने लगे प्रहलाद। पीते समय भगवान शंकर जी पीछे खड़े थे और वो बिस्कुट भगवान शंकर जी भोलेनाथ खींच रहे थे, लेकिन प्रहलाद नहीं जानते थे कि भगवान शंकर जी मेरे पीछे खड़े। बिस्कुट खींच लिए, बकदंत के देखते ही सारा खत्म हो गया दूध जो था। जब वो खत्म हो गया कुछ देर तक कहीं इनके पसीने गर्मी तक नहीं दिया, लौट करके गए। जब लौट कर गए बगदन हीरा कश्यप बोला कि कहो बगदन प्रहलाद की मृत्यु हो गई। कहा प्रहलाद के कहीं पसीने तक नहीं निकला, गर्मी तक नहीं दिया है और मृत्यु की बातें छोड़े। कहा पसीने तक नहीं निकला? कहा ये विष को ग्रहण कर लिया तो वे कैसा कीजिए उपाय कि जा करके प्रहलाद को कारागार से निकाल लो और ले जा करके पर्वत पे